हम चौमिन बाहर होटल और रेस्टोरेंटों में खाते हैं, तो चौमिन काफ़ी अच्छी बनती है, और वही चौमिन हम घर पे बनाते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं बन पाती है। तो होटल और रेस्टोरेंट में चौमिन के ऊपर क्या डाला जाता है, तो आज मैं वही बनाऊंगा। वीडियो को आप पूरा देखें। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, और आज मैं फिर लाया हूँ एक और रेसिपी, और ज़्यादा समय न लेते हुए चलो करते हैं रेसिपी। डाबा नूडल बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 1 टीस्पून तेल, और 1 टीस्पून लिया है लहसुन। इसको जो है हाफ ब्लांच कर देंगे। उसके बाद जो है हम प्याज और शिमला मिर्च डालेंगे, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पत्ता गोभी और गाजर, और उसके बाद डाल देंगे चौमिन जो हमने बॉयल करा हुआ था, वो चौमिन हम इसमें डाल देंगे। और इसमें उसके बाद सॉस में सबसे पहले डालेंगे चिल्ली पेस्ट, ये है रेड चिल्ली पेस्ट जिसको कि हमने पहले पीस के रखा हुआ था। और उसके बाद जो है टमाटर सॉस 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून इसमें डालेंगे विनीगर, और 1 टीस्पून डालेंगे सोया सॉस। उसके बाद जो है इसमें डालेंगे एरोमेटिक पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद जो है 1/2 टीस्पून डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। और इसको इस प्रकार से सारी चौमिन और जो हमने सब्जी ली थी इसको इस प्रकार से अच्छे से मिला लेंगे। हम लोग घर पर बनाते हैं तो वो स्वाद नहीं आता है जो हमें रेस्टोरेंट होटल और ढाबे में मिलता है। तो इसके लिए जो है हम घर पर सॉस का कम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए प्रॉपर नहीं बन पाता है। तो इसमें जो है हरा मोटिक पाउडर बहुत ज़रूरी होता है जिससे स्वाद आता है। उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे हरा प्याज, और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। और अच्छे से मिलाने के बाद जब चौमिन अच्छे से गर्म हो जाए और सॉस अच्छे से चौमिन में मिल जाए, उसके बाद जो है हम इसको एक सर्विस बाउल में सर्विस के लिए डाल देंगे। और ये देखो चौमिन हमारी बनकर तैयार हो गई ढाबा स्टाइल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचेगी। तो आज के लिए इतना ही, एक बार फिर मिलूँगा एक नई रेसिपी के साथ।